हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस देखने अपने हरिद्वार के बेचक के स्टेडियम। तो दिखाते हैं आप सभी को आज कैसा रहता है यहाँ का स्वतंत्रता दिवस और यहाँ की परेड। तो ये है बेचल सेक्टर 5 की रोड। हम जा रहे हैं अब बेचल सेक्टर 5, जहाँ होने वाली आज 15 अगस्त की परेड। तो हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर परेड देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। कल गए तो उसने सोचा आज आप वहाँ की परेड की कुछ किया। ये है बेचल, ये है हरिद्वार का बेचल स्टेडियम, हरिद्वार का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम बेचल में, बेचल के स्टेडियम में। और सुबह टाइम हो रहा है 6:30। तो इतनी सुबह वैसे तो मैं कभी उठा नहीं, लेकिन आज सुबह उठना पड़ा परेड देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ये है बेचल का सुबह का नज़ारा। सबसे पहले पहुंच चुके हैं हम और अभी तक तो कुछ शुरू हुआ नहीं यहाँ पर। देखते हैं कब तक शुरू होता है, इंतज़ार कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर स्कूल के बच्चों का आना शुरू होते हुए, सभी स्कूलों ने यहाँ पर इस परेड में प्रतिभाग किया हुआ होता है, तो सभी बच्चे यहाँ परेड करते हैं और उनमें सभी को प्राइज मिलता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। ये DPS स्कूल की छात्रा है परेड ग्राउंड में जाते हुए। तो ये बच्चे अभी अपनी परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं परेड करके।
फाइनली मुख्य अतिथि आते हुए और अब थोड़ी देर बाद जो है परेड शुरू होने वाली है, तो देखते हैं अभी थोड़ी देर लगेगा परेड शुरू होने में। मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे, तो मुख्य अतिथि भी झंडा फहराएंगे और उसके बाद शुरू होएगी परेड। फाइनली परेड शुरू होते हुए, तो देखिए आज की परेड ये बेचर के सेक्टर 5 की परेड है हरिद्वार की। इसमें हरिद्वार के स्कूलों ने प्रतिभाग कराया इस परेड में, तो देखते हैं आज कौन आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड।
ये रहा हमारा परसों पुराना दोस्त झूले भी लग गए भाई। यही था आज के इस इंडिपेंडेंस डे पर। तो जैसा कि हर बार यहाँ देखने के लिए मिलता है जाके, यहाँ आज वैसा कुछ मिला नहीं और इतनी भीड़, हर बार से ज़्यादा भीड़ रहती। ये था आज का स्वतंत्रता दिवस। तो जिस चक्कर में हम आए थे झांकी के, तो आज झांकी तो हो ही नहीं।